क्योंकि अब तुम्हारा इस दुनिया से उठने का वक्त आ गया है। ये जलते हुए अंगारे उसी जहन्नुम की आग की तरह धड़क रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने तुम जैसे कातिलों को सजा देने के लिए किया है। कौन हो तुम? इस जहन्नुम के अंगारे तो तुम्हें जलाकर बुझ जाएंगे, लेकिन जब तुम मर के अल्लाह की बनाई हुई जहन्नुम में पहुंचोगे तो क्या करोगे? क्योंकि वहां की आग तो तुमको कयामत तक के लिए जलाएगी। जन्म से हमें बचा लो, हमें मरना नहीं है, हम मरना नहीं चाहते। तुम जो कहोगे हम कर देंगे। हमें यहाँ से बचाओ, निकालो यहाँ से। हमारी सारी दौलत, हमारा रुतबा, हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हमें मारो मत। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे शहबाज अहमद, लेकिन तुमने हमें मार डाला और मौत का बदला मौत ही हो सकता है। बस हमें एक मौका दे दो, एक मौका। मौका चाहते हो ना? ठीक है, दे दिया। हमारी कब्र पे आकर गिड़गिड़ा कर हमसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तरस आ जाए। इमरान छोड़ो। अभी तीन घंटे तक होश नहीं आएगा।
रब्बुल आलमीन, हमें तेरा खौफ है लेकिन तू हमारे लिए रहम की उम्मीद है। तू अच्छे से जानता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अपने वालिद को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे बल्कि उनसे उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए कर रहे। तू करीम है मेरे मालिक, हम पे करम कर, हमें हिम्मत दे कि हम हमारी जारा को इंसाफ दिला सके। आमीन आमीन। मैंने फोन पर फोन किए जा रहे हैं और अब्बू हैं कि आराम से सोए हुए। अब्बू यार ला 35 मिस्ड कॉल्स और अब्बू आराम से सो रहे हैं। अब्बू उठिए, अब्बू उठिए, अब्बू अबू अबू उठिए, अबू आप उठ क्यों नहीं रहे? अबू नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़ारा ने अबू को मार दिया, अबू नहीं रहे, अबू नहीं रहे। कुछ भी बोले चली जा रही हो। नहीं बंजू, जारा ने अबू को मार दिया, वो हमें भी मार देगी, वो हम सबको मार देगी बंजू, हम सबको मार देगी। कशान भाई कहाँ बंजू? कशान भाई कहाँ है? वो दुबई गए किसी जरूरी काम से, पर तुम बेफिक्र रहो, हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो बचाओ बचाओ। जारा से बचाओ, हमें बचाओ, वो हमारी जान ले लेगी, बचाओ। अबू तुम तो कह रही थी कि अबू मर गए, अबू तो भागते हुए आ रहे। वो छोड़ेगी नहीं, वो छोड़ेगी नहीं हमें, नहीं। कौन है? किसकी? जारा, जारा, हम मरना नहीं चाहते, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आग चारों तरफ, आग इतनी आग, और हम उस आग में जल जाते, हम गिरने वाले थे उसमें। अबू क्या कह रहे हैं आप? हम तुम लोग कह रहे हैं ना, उसने हमें आग के ऊपर लटका दिया था। वो सबको मार देगी, वो हम सबको मार देगी, समझने की कोशिश करो, कोई नहीं बचेगा। ये सब वक्त की बर्बादी है, कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब कर चुके हम। वो मरूम जारा नहीं दिखती है इसमें, कह रहे हैं नाम तुम्हें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? वो जारा जो है वो हमें यहां से लेकर गई थी और आग के ऊपर लटका दिया था, यही सच है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, मिल गया? सारी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने चेक हुई है, शहबाज साहब अगर बाहर जाते तो कैमरे की नजर में जरूर आते। क्या बकवास कर रहे हो, हम घर के बाहर नहीं गए तो फिर वो हादसा कैसे हुआ, वो वाकया हुआ कैसे जो हम कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, यहाँ पे तो कुछ लोग सिर्फ टीवी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो हमारे सामने ही लेकर गए थे। बस तो फिर जो शहबाज जनाब कह रहे हैं वो झूठ है। कौन झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहे हैं? बाहर गए होते तो कैमरे की नजर में आते ना, हमारे कैमरे पे। अरे बेकार है तेरे कैमरे पे, हमारे घर में आके हमी को झूठा बता रहा है। अरे 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 क्या कर रहे हो आप? अरे निकल निकल बाहर निकल, क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हैं क्या? मैं पागल कहते हैं शहबाज अहमद को? पागल कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत? निकल बाहर यहां से, सच में निकल बाहर। इस इंसान को तुमने पागल कहा?
पागल कैसे हो सकते हैं? ये तो शहर के नेता है, इनके पास पावर है, रुतबा है, सब कुछ है। क्या किसी पागल के पास वो सब होता है? बाबा, बाबा अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। देखिए ना, अबू का इलाज कीजिए ना, क्या हो गया? डर के मारे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। अब अबू ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। तो आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इनका पागलपन दूर कीजिए। ये देखिए हमें कैसे मारे, हमारी बहन का गला दबा दिया इन्होंने। आप हमारी बात समझिए, हमने बहुत कोशिश की इन लोगों को समझाने की, ये लोग हमारी बात समझ नहीं रहे। हाँ, वो जो मरूम जा रहा है वो हमें यहाँ से लेकर गई थी, हमें हमें एक आग के ऊपर लटका दिया था और हमसे कबूल करवाना चाहती थी कि हमने हमने उसे मारा है। अगर हमने ये कबूल नहीं किया तो वो हमें मार डालेगी। आप समझ रहे हैं, हमने कोई ख्वाब नहीं देखा, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? सब इस पे बहुत बड़े नापाक चिन्ह का साया है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। बाबा हम ए खुदा की खास मखलूक सुन, ये हम मुझे हमें क्यों पकड़ रहे हैं? ये आग से बनाया गया है तो हम इंसानों को मिट्टी से, हम चिन्ह नहीं है। और मिट्टी आग बुझा सकती है? चिन्ह तू इस नेक इंसान को छोड़ दे, नहीं तो तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे चूते से मारना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? बाबा आप हमारी बात मानिए और इस बात का इलाज कीजिए कि इस घर में चिन्ह है, हमारे अंदर नहीं। समझिए हमारी बात को। इसमें मौजूद चिन्नात होशियारी दिखा करके हमें गुमराह करना चाहता है। नहीं, लगता है इसका इलाज करना ही पड़ेगा। लगाओ इसके सर पे जूते। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या? रुक सर क्या कर रही हो? चुप रहो। रुक सर, तुम चुप रहो, तुम जीना, तुम हमारे अब्बू ने ये जब इस घर में आए हमारा जीना आगे मत बोलो। रुक सर, हम कह देते हैं अच्छा नहीं होगा। हाँ रुक सर, मारो मारो इन्हें। बहुत बड़ा सालिम जिन्न है। अबू, 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 अबू दरवाजा खोलिए। अबू, अबू। अबू कहाँ गए? प्लान का पहला स्टेज कामयाब। अब प्लान का अगला स्टेज। रिपोर्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपको इस शहर की हॉटेस्ट खबर नहीं सुननी? शहबाज अहमद शहर का नेता पागलों की तरह भाग रहा है, तो लिखिए ना जनाब। जिस शहबाज अहमद की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता उसे जूता उठाकर मारेंगे। कबीर, हम पिछले 3 घंटों से गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं है। कहीं पता हुआ इसमें एक्सीडेंट ना हो जाए। इनको कुछ हो ही नहीं सकता जारा, जब तक हमें शक से ये नहीं उगलवाएंगे कि इसने हमारी जारा का कत्ल किया है। हम चाहते थे ना कब का इसकी जुबान से खुद उगलवा सकते थे, लेकिन नहीं, ये खुद कहेगा और सबके सामने कहेगा। पंचर
तो वही कब्रिस्तान है जहां सारा दफन हुई थी। या अल्लाह रहम। हेलो, हमारे टिकट का क्या हुआ? टिकट रेडी है सर, आपके कहने पे उसी कंट्री के टिकट कराया है जहां वीजा ऑन अराइवल है। बहुत खूब, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। हमारा सामान और हमारे पेपर्स तैयार रखना। आप एयरपोर्ट पहुंच गए? नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम तो लोकेशन भेजते हैं, तुम किसी को भिजवा के हमें यहाँ से लेके जाओ। और सुनो, ये बात किसी को बताना मत। जी सर। आखिर तुम शातिरपन से बाज नहीं आए ना? हमने तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया और तुमने फरार होने का मंसूबा बना लिया। भागने की कोशिश बेकार है। नहीं 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 नहीं, हम भाग नहीं रहे, हम तुम्हारे कब्रिस्तान में आ रहे हैं। बाहर आओ शहबाज अहमद। हमें माफ कर दो। हम मानते कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हम कहीं नहीं भागेंगे। हमने तुम्हें बेबहुत मारा था। तुम्हें उस नबी का वास्ता जिसने माफ करना सिखाया। सारा, हमें माफ कर दो। खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो। हम मानते हैं कि हम तुम्हें कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम कबीर को अपने मुट्ठी में रखना चाहते थे। हम चाहते थे कि वो वैसा ही बने जिसे जिस तरह हम उसे बनाना चाहते थे। लेकिन तुमने उसे सही रास्ता दिखाया, तुमने उसकी आंखें खोली, और ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए ड्राइवर का पेस बदल कर आकर हमने तुम्हें गोली मारी। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन तुम हमारी जिंदगी बख्श दो। तुम हम ये सब तो फिर वो जानम की आग, वो गाड़ी के आसपास जो आग लगी थी, वो जारा की हूबहू आवाज, ये सब तुमने हमें डराने के लिए किया ताकि हमारा कबूलनामा ले सको। वो आवाज जारा जैसी आवाज निकालने वाली डबिंग आर्टिस्ट की थी। और ये सब हमारे एक
कबूलनामे के लिए जरूरी है अप्पू। एक बेटे के सामने अगर एक वालिद के साथ सिला रहमी करने का हुक्म दिया गया है ना, आज उसी हुक्म की वजह से आप जिंदा है। आपकी रूह इस जिस्म से निकाल के बाहर फेंक देते आपको पता तक नहीं चलता। अबू जानते हैं आप कि आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी इस पूरी वाहियात गंदी और खलीज जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम किया अबू, और वो है हमें आलिम बनाकर। क्योंकि आज अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से, अल्लाह और उसके बताए हुए रसूल के रास्ते की वजह से हम आपकी जान बख्श रहे हैं अब्बू। तो फिर भी क्या छोड़ी तुमने कबीर? जो आग तुमने हमारे गाड़ी के आसपास लगाई उसमें हम चल सकते थे। वो आग हमने लगाई जरूर थी, पर उस गाड़ी के पास हमने रेत भी रखी थी ताकि वो आग गाड़ी तक ना पहुंचे। हमने कंबल और पानी की भी तैयारी कर ली थी। आपकी आंखों में आज हमें मौत का डर नजर आ रहा है अबू। काश इसके बदले आपके दिल के अंदर ना अल्लाह ताला का डर होता तो शायद हमारी जारा हमारे सामने होती। शायद हमारी नजरों में आप गिरते नहीं अबू, और शायद शायद आप असर ऐसे एक एक कातिल की तरह ऐसे झुका नहीं होता अबू। क्या सोच रहे हैं आप बताइए ना अबू, क्या कैसे आप इसमें से बचने वाले? क्या तरकीब शहबाज अहमद लगाने वाला है जो वो इसमें से भी बचेगा? नहीं इस बार नहीं अबू, क्योंकि इस बार ये हमने तुम्हें बेमौत मारा, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, माफ कर दो हमें। ये है हमारे पास, ना वो आपको सजा देंगे ना ये ना ये ना हम में से कोई नहीं जानते आपको सजा कौन देने वाला है अबू। कानून आपको सजा देगा अबू, हम कुछ नहीं करने वाले। और जानते हैं आप वो सजा क्या होगी? सजाए मौत, सजाए मौत। आप सजाए मौत के लायक हैं अबू, और आपको सजाए मौत ही मिलेगी।